वरनो वरनो तेरा सर दर्द हो रहा है क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे गंदे गंदे गाने सुन के हैं, तुम्हारे गंदे गंदे गाने सुन के सर दर्द हो गया। तो तुम्हें स्मूथ गाने सुनने एकदम मैं चेंज कर रही हूँ। चेंज कर लो, उसके बाद तो नहीं होगा ना सर दर्द? गारंटी नहीं दे सकती। क्यों, तुम बैठे हो ना क्योंकि साइड में सर दर्द करने के लिए? हाँ वो ज्यादा गर्मी से सर दर्द हो जाता है ना। I'm too hot. What's up guys? Welcome back to another YouTube vlog. Guys, कल हमने ना डोसा खाया था रात को और आज हम सोच रहे कुछ अलग खाएं और वो है सरना भवन का डोसा। इन मैडम ने सजेस्ट किया, उसमें इतना वो ट्रायंगल शेप वाला डोसा आता है, वो बहुत स्पाइसी होता है, वही। सो विल गो फॉर इट। रेड लाइट है क्या? एक सेकंड यार। जाइए जाइए भाई, जाओ निकल जाओ यार, खाद हो गई है यार। मैंने गाड़ी रोक दी, लोग ही नहीं जा रहे हैं यार। तो चलना गाइस, हम सोच रहे थे हम इधर पार्किंग लगाएं, बट ये देखो इसको देख के फिर हमने ना अपनी पार्किंग प्लान चेंज कर लिया। हमने कहा पार्किंग में लगा लेंगे, थोड़ा चल के चले जाएंगे। हां तो ये अब नहीं लगा रहे हम, बस हवा निकल गई। गाइस अब मैं आपको थोड़ा दिल्ली का ना रूल बता देता हूं जो आपको फॉलो करने हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हो ना और इन केस आपको यू टर्न लेना हो, लेफ्ट टर्न लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो आप मत लो। आपको अगर डाउट है कि यार यू टर्न लेने में पुलिस वाला तो नहीं खड़ा मिलेगा, वो हमारा चालान तो नहीं काट देगा, तो मत लो। सबसे पहले देखो दिल्ली की गाड़ी आपके आगे हो, अगर वो घुस गया तो आप भी घुस जाओ, अदरवाइज मत घुसना। मैं ऐसे ही करता था जब मुझे नहीं पता था, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। अरे यार पार्किंग पीछे रहेगी, शिट। बट इतनी दूर थोड़ा ना था, हमें तो आगे जाना है, इतनी दूर थोड़ा रहेंगे। मैं आता हूँ गाइस। गाइस देखो हमने ये पार्किंग में इधर, और इसको लग रहा है कि यहाँ पे पुलिस वाला देख लेगा, इसने सीट बेल्ट नहीं उतारी थी। मैंने कहा उतार दे यार, बट क्या करें, हमारी बीवी, हमारी बीवी ही है। हम जिस मंदिर से गए थे ना वहाँ पर इतने ज्यादा बंदर थे, हमें डर लगा था हमारा प्रसाद ही ना छीन लिया होगा ना, इसलिए तो मेरे को पकड़ा दिया था। बार बार डरी जा रही थी, बट नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे पता था वो नहीं छीनेंगे। तो बंदर को बंदर से थोड़ी डर लगेगा यार। I'm happy to be a बंदर, okay? Okay. Yes. है ना? मतलब इतनी तू, हम नहीं तू, ये वाली जगह जाएंगे, वो वाली जगह जाएंगे और आके मैगडी पे ही आ जाते हैं। हम नहीं, आप हमें इंक्लूड मत, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। करो कोल्ड कॉफी, किसको पसंद है मैगडी की? तो कोल्ड कॉफी पीने के लिए थोड़ा आया हूं मैं यहां पे। क्या करना है? खाना खाने ले, इतने छोटे मारूंगा, इतने छोटे मारूंगा। बुक्कड़ इंसान। ये तेरा खाने। अच्छा सो गाइस, इसको मेरे को, हम दोनों ने डॉक्टर से चेकअप कराया था और दोनों को डॉक्टर ने बोला था कि बाहर का खाना बंद करो, घर का खाना खाओ। ये अभी दो दिन पहले ठीक हुई है, मैं चार पांच दिन पहले ही ठीक हुआ हूँ गला मेरा, और अभी से फिर से खराश होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि हमने ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी और ठंडा ठंडा शेक पिया है। हाँ मतलब एक अव्वल दर्जे के ना हम ढीठ इंसान हैं। बिल्कुल सही वर्ड है ना। मतलब ढीठ जो लोग होते हैं वो किसी की नहीं सुनते ना, अपनी करते हैं, वैसी है हम। वही है, वही है, तो मस्त लग रही है। अरे चलो गाइस, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। क्या कर रही है? I
एक्चुअली हमने पार्किंग वाले को दिए 50 रुपीज, 40 रुपीज की पार्किंग लगी थी, तो उसने दो दो के एक एक के चिल्लर दे दिए, तो उनके पास चिल्लर ये क्या है मैंने कहा चिल्ला क्यों रही है, वो पैसे दे रहा है यार गुल्ले, चीख रही है सामने ये क्या है कौन देता है यार अब ऐसे 2-2 रुपए के सिक्के, क्यों नहीं देते है, मुद्रा है वो हमारी देश की तो चलती है वो, तभी तो दे रहे सही गाड़ी की ना हवा बहुत कम हो गई थी, वैसे तो कम होती नहीं बट आज तान्या बैठ गई ना तो हवा कम हो गई थी इसलिए मैं गाड़ी की हवा बढ़वा रहा हूँ, पेट्रोल के लिए हवा के, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम देना चाहो दे दो, पेट्रोल के लगे 1,011 रुपए, सगर नहीं ये ना एक्चुअली में वो होता है एक टैक्टिक्स होती है कि आपका पेट्रोल प्रॉपर आएगा, नहीं तो फिर उन्होंने कुछ वो ट्यूनिंग कर रखी होती है उस पर वो आता नहीं। गाइस मेरे को ना अभी एक शॉप पे जाना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे को कपड़े लेने हैं, मेरे को मेरे पास कपड़े हैं नहीं क्योंकि मेरे बाबा आपने ना ठंड के कपड़े संदूक में घुसे थे वो निकाल ही नहीं रहे, तो मैं सोच रहा हूँ नए ले लेता हूँ एक आधा ताकि मैं ऑफिस पहन पाऊँ, तो जितना जल्दी हो सकता है ना मैं भग रहा हूँ ताकि वो शॉप बंद होने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँ बस, उसके बाद तो मैं वहाँ पे भी जाना है मंडी पता है ना फ्रूट्स लेने, क्या मंडी? हाँ फ्रूट्स लेने जाना है, हाँ जी अब देख लो तुम्हें जाना है नहीं जाना है वहाँ पे प्यूमा में, फिर उस नहीं तो फिर वहीं चल लो, मतलब प्यूमा स्किप कर दूँ? हाँ गाइस अब हम मंडी जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में फंसे हुए हैं बहुत ही ज्यादा वाला, और अरे और सही है तो मस्त है, अबे कुत्ता सच में वो देख उसके हाथ में लड़की के वो देख पीछे, मैं भी दिखाता हूँ, देखो गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो उसके हाथ में दिख रहा है, वो देखो उसके हाथ में छोटा सा, वो देखो रहा देखा मैं झूठ नहीं बोल रहा था, खामा खाम मेरे पे डाउट करती है, अब हंस रही है बत्ती से दिखा गए बड़ा हरामी हो बेटा, फाइनली घर पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट अपने गीता कॉलोनी में, बैग ले आओगे ना तुम? हाँ बैग ले आऊंगा, टेंशन क्यों ले रही है, वो भी ले आना वो बॉक्स पड़ा है ना, कौन सा बॉटल भी ले आना रख देना बैग में, हां प्रसाद ले रखा हुआ है ना वो भी ले आना, मैंने उंगली पकड़ा या हाथ ही पकड़ ले दोनों, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं प्रैंक कर पाऊँ, एक्चुअल रिएक्शन आ पाया और वो एक्चुअल रिएक्शन आया, और अगर मैं इससे ज़्यादा एफर्ट्स डालता तो शायद मेरे को मार पड़ सकती थी, और मैं वो निकाह करवाना चाहता अभी कि कल मैं ऑफिस जाऊँ मेरी आँख वहाँ फूटी हुई मिले, तुम इसी लायक हो बहन।